तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल और एक टेक प्रोडक्ट के साथ टेक इन्फॉर्मेशन के साथ वेलकम बैक है इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका। तो ये जो वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ इसमें मैंने बताया था, एक शॉर्ट अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि एक टीवी के जगह मैं मॉनिटर को लेके उसका जो है टीवी की तरह यूज करके मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें कि मैं पूरा बताऊंगा कि मेरे को इसमें क्या फायदा देखने के लिए मिला या तो मेरे को क्या प्रॉब्लम्स उसमें फेस करने के लिए मिला। तो उसका एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बना के मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो मैंने पहले कई बार शूट किया बट उतने अच्छे तरीके से वीडियो में मैं बता नहीं पाया था, बट ये वाला वीडियो में मैंने जो है सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लिए। तो फाइनली मैं सोचा यही वाला अपन अपलोड करते हैं। तो मैं अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि मेरे को इसमें क्या क्या फायदा देखने के लिए मिला, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया मैंने इस मॉनिटर को टीवी के जगह लेके, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है एज अ मॉनिटर को टीवी यूज करके। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरे को जो है इश्यूज क्या फेस करने पड़े, पहले जो है मैं इश्यूज क्या फेस करने पड़े वो बता देता हूँ, क्योंकि मेन तो लोगों का वही जानना रहेगा ना कि अपन अगर मॉनिटर ले लेते हैं टीवी के जगह तो इश्यू क्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फायदा जो मिलेगा वो तो सब अच्छा ही है, वो सब यूज कर लेंगे, जो इश्यूज है उसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो मैंने टीवी के जगह मॉनिटर तो ले लिया, तो मेरे को रन करने के लिए सबसे पहले एक चीज चाहिए था, प्रोसेसर मान लो, क्योंकि ये खुद से तो रन होगा नहीं, तो मेरे को एक चीज लेना था। तो अब मैं आपको इक्वल करके बताता हूँ दोनों चीजों को। तो सबसे पहले मैंने मॉनिटर लिया, ठीक है, तो मेरे को जो है मॉनिटर मैंने कौन सा लिया, कर्व लिया, मेरे को कर्व एक्सपीरियंस करना था बहुत पहले से, तो कर्व मॉनिटर लिया है मैंने। इसका अनबॉक्सिंग का लिंक मैं आपको दे दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग बताया है। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने इसको जो है रन करने के लिए लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप पूरे चैनल देखने के लिए मिलेंगे, एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे इसमें बहुत सारे, ये देखिए इसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें अपने को पिक्चर वगैरह सब मिल जाता है इसमें, यूट्यूब प्राइम वीडियोस बतेरे वीडियोस पड़े इसमें, आप चाहे जितने देख लो खत्म नहीं होने वाले। तो मैं सबसे पहला जो यूज कर रहा हूँ वो है अमेजोन का फायर टीवी स्टिक, ये रहा वो फायर टीवी स्टिक, ये लगा हुआ है इसमें मेरे। तो इसमें क्या है कि जैसे कि टीवी को अपन ऐसे देख रहे तो ये तो ऐसे नॉर्मली चल रहा है, जैसे ये 5 मिनट के लिए मैं इसको स्टैंड बाय कर दूंगा तो बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं इसमें, ये पहला पॉइंट है। तो जो Amazon Fire TV स्टिक लिया है इसके जगह अगर मैं कोई दूसरा भी टीवी लेता एंड्रॉइड टीवी तो भी उसको मेरे को रन करने के लिए सेट टॉप बॉक्स या कोई ना कोई चीज अटैच करना पड़ता। तो मान लो कि सेट टॉप बॉक्स की जगह मैंने Amazon Fire TV स्टिक ले लिया, ठीक है, यहाँ अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अपन इसको रन कैसे करेंगे। तो रन करने के लिए Amazon Fire TV स्टिक लगा दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया कि अपने को इसको Amazon Fire TV स्टिक से रन करना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना स्टैंड बाय पे समझ लो ये लग गया है, तो ये जो है अभी रन हो रहा है Amazon Fire TV स्टिक से। सेकंड पॉइंट मेरे को क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिला, वो प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिला कि मेरा जो ये पावर बटन है ये पावर बटन वर्क नहीं करता इसमें, इवन कोई भी मॉनिटर ले लो उसमें पावर बटन आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पावर बटन का काम क्या होता है, ये टीवी के साथ इंटीग्रेट होके जो है इसको एक सिग्नल पहुंचाता है कि बंद करना है, तो वो तो इसमें फीचर आपको नहीं मिलेगा, तो आपको जो है बाय हैंड आके इसको ऑफ करना पड़ेगा, या फिर इसमें एक स्लीप मोड मिलता है वो स्लीप मोड में आप डाल देंगे तो ये बंद हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, कोई इशू नहीं है। तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं लगता, ये पावर बटन वर्क नहीं करता तो चलेगा। दूसरा है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आप जो है इसको रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी में क्या होता है एक रिमोट का टीवी का रिमोट मिलता है जिससे अपन ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करते हैं, बट मॉनिटर में ऐसा कुछ नहीं मिलता। मॉनिटर में यहाँ पीछे में एक बटन होता है, ये मैं आपको शो करता हूँ, इस तरीके का आपको बता है कि आता है पॉप अप, उसमें जाके आपको ब्राइटनेस सेट करना है। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये जो आपको इश्यू है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सिंपली कितनी बार हम लोगों ने ब्राइटनेस चेंज करते हैं टीवी का, अब रूम के अंदर है तो एक ही ब्राइटनेस पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, 25 ब्राइटनेस 25 कॉन्टेक्ट रेशो, बस एक नंबर चलता है, उसमें कुछ भी मैं अभी तक के तो एक बार भी इसका ब्राइटनेस नहीं छेड़ा हूँ, सिर्फ वीडियो बनाते टाइम कभी कभी ब्राइटनेस हाई कर लेता हूँ क्योंकि देखने में बढ़िया लगता है। तो सेकंड वाला जो है अपना पावर बटन और ब्राइटनेस हो गया, वो भी मेरे को कुछ ज्यादा नहीं लगा। तो अपन चलते अभी अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि अब थर्ड पॉइंट में अपने को क्या देखने को मिलता है। तो अभी तक के तो मैंने जो इम्पोर्टेंट था ब्राइटनेस था पावर बटन वर्क नहीं कर रहा था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मान लो अपने एक मॉनिटर आपका बजट थोड़ा टाइट है, ये वीडियो वही बंदा देखेगा जो जिसको कम बजट में अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है, वरना बाकी तो जिसको है वो कर्व टीवी ले लेगा डायरेक्ट, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे कि आपने मॉनिटर ले लिया बट आपका बजट उतना हाई नहीं है, आप तुरंत जो है Amazon Fire TV स्टिक को नहीं ले सकते, उस टाइम पे आपका जो है ये ले सकते हैं आप, ये मात्र 700-800 रुपए में आपको Amazon पे मिल जाएगा।
मैंने इसका एक वीडियो भी डाला था, शॉर्ट्स बना के डाला था। HDMI पोर्ट है इस तरफ लाइटनिंग है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, लाइटनिंग को इसमें डाल देता हूँ। ये मेरे पास में iPad का 9 जनरेशन है, तो इसमें मैं जो है डाल देता हूँ इसको लाइटनिंग पोर्ट में, HDMI पोर्ट लगा देता हूँ इसमें। बढ़िया iPad चलता है इसमें, आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, एक अगर आप, मैंने वीडियो डाला है वायरलेस माउस का, फुल्ली ब्लूटूथ, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। तो अगर आप एक वो ऐड कर देते हो साथ में, अगर ये जो अपना आईपैड है उसको कनेक्ट कर लेते हो माउस के साथ, तो इसको लगा देते हो मॉनिटर के साथ, बहुत ही बढ़िया मैक ओएस का आप जो है मजा ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो अभी तक अपन जो है जितने प्रॉन्स थे सब अपन ने कवर कर लिए। अब मैं आपको एक एक करके इसके जो है फायदे बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि फायदे इतने मिले हैं ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ ये लेके। मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पैसा वेस्ट हुआ या फिर मेरे को कोई इश्यू आ रहा है इसको इस्तेमाल करने में। तो एक एक करके मैं आपको जो है अभी इसके फायदे बताता हूँ। ठीक है गाइस, अब आएगा मजा, क्योंकि अब मैं इसके जो है फायदे बताने जा रहा हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्राइसिंग कितनी पड़ी। सस्ते से सस्ता अगर आप लोगों FHD डिस्प्ले का टीवी लेने जाते हो, सबसे पहली बात तो FHD में टीवी मिलता ही नहीं, मिलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे चले जाते हैं। इसको देखते हुए वैसे टीवी के रेंज में देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं बोल सकते, लेकिन सस्ते से सस्ता टीवी भी मेरे को वहां पड़ा है 20,000 तक के देखने के लिए मिला है, जिसमें कि मैंने कोई ऐसे तो बहुत एरी-गरी कंपनी है, बट मैं मेन तीन कंपनियों को हाईलाइट करूंगा। एक तो मैंने सबसे पहला लिया है MI का टीवी, जो आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, उसमें अगर आप FHD डिस्प्ले लेने जाएंगे तो 20,000 का पड़ेगा। दूसरा है सोनी, वो तो 40,000 में दिखा रहा है डायरेक्ट। तीसरा है सैमसंग, उसका तो मेरे को जो है FHD का तो रेट तो नहीं मिला, लेकिन वो भी काफी ज्यादा महंगा जा रहा है, वो भी 40,000 के ऊपर जा रहा है जो FHD डिस्प्ले दे रहे हैं। ये तीन कंपनियां, और जिस रेंज में हमने ये कर्व्ड FHD डिस्प्ले लिया है मॉनिटर, वो हमको कितने में पड़ा, 10,000 रुपए का लगभग है कर्व मॉनिटर, 10,000 रुपए में आपको मिल जाएगा ऑफर वगैरह लगा के। उसका भी वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं नीचे, आप देख लीजिएगा। 10,000 और 3,000, 2,000, 2,500 जो भी ये वेरी करता है अपना फायर टीवी स्टिक। अपना सेटअप कितने में हुआ, 13-14 हजार रुपए में अपने को कर्व मिल गया, FHD मिल गया, स्मार्ट टीवी मिल गया, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपको कर्व इंजॉय करना है, जैसे मेरे को कर्व टीवी चाहिए था अपने लिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च किया, तो आपको दिखा देता हूँ, आप भी सर्च कर लेना। मैंने सर्च किया है कर्व FHD टीवी, तो मेरे को सबसे पहला जो रिकमेंडेशन आया है वो सैमसंग के तरफ से है, 1,70,000 रुपए का दिखा रहा है ये कर्व, और इसमें कुछ ज्यादा तो पता नहीं। हाँ कर्व है लेकिन 4K में है, यानी कि आप समझ गए कि जैसे कर्व चाहिए तो साथ में आपको 4K लेना ही पड़ेगा, फिर आप उसमें HD टीवी नहीं ले सकते ना, HD प्लस ले सकते आपको। अगर कर्व चाहिए तो फिर 4K में जाना पड़ेगा, और कितना, 1,70,000 रुपए समथिंग आपको खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो मेरे को सबसे बढ़िया यही लगा कि चीप रेट में मैं कर्व इंजॉय कर पा रहा हूँ, उसके साथ में जो है मैं FHD एंजॉय कर पा रहा हूँ, और ब्राइटनेस भी कम नहीं है, अच्छा खासा ब्राइटनेस है, बहुत ही शार्प डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं, इतना शार्प तो है ये। इसको मैं ब्राउजर से रन करूंगा तो और शार्प इमेज क्वालिटी इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब भी मेरे पास में टावर PC आएगा, जो मैं अगर बिल्ड करूंगा, अगर मान लो मैं 10,000-20,000-30,000 रुपए तक का एक अच्छा सा PC बिल्ड करता हूँ, सिंपली मैं इसमें अपना PC यूज कर सकता हूँ। फायर टीवी स्टिक लगा के टीवी यूज कर लिया, टावर PC लगा के PC यूज कर लिया, अगर iPad कनेक्ट करना है तो iPad कनेक्ट कर लिया, तो मल्टीपल चीजें मैं इससे रन कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने को कोई इश्यू देखने के लिए नहीं मिलता, तो इतने सारे जो है मेरे को इसमें फायदे देखने के लिए मिले। एक दो पॉइंट और है वो मैं, तो गाइज अगर यहाँ तक के वीडियो को देख लिया है तो प्लीज लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कर देना, अपना नया चैनल है, इससे अपने को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आपका एक कॉमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियोज बनाने के लिए। तो अब जो है मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे फिर से प्रोसेस करके दिखा सकता था, बट वीडियो बहुत लंबी बना के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक के जो लोग वीडियो को देख लिए हैं, और एक और वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसमें जो है मैंने शो किया था ये सब, ये Amazon में फायर टीवी स्टिक में कीबोर्ड, माउस, ब्राउजिंग वगैरह शो किया था। ठीक है, उसके बाद में जो है ये मेरे पास कुछ OTG है जो कि मेरे को कनेक्ट करने के लिए लगते है, ये एक छोटा सा है, उसके बाद में जो है ये एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मैंने वो वीडियो में दिखाया है, ये एक अपना OTG एक तरीके का, अपने को ये 250-300 में मिल जाएगा। तो ये OTG के मदद से हम लोगों ने इसमें जो है माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं। अभी क्या है, स्मार्ट टीवी रहता था तो आप क्या कर सकते थे, इस टाइप के जो OTG वगैरह आते हैं पेन ड्राइव, इस तरीके के पेन ड्राइव, ये आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट टीवी में लगा सकते थे।
अपना स्ट्रीमिंग कर सकते थे। अब कितने ही लोग हैं जो प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं नेटफ्लिक्स का, और जो है ये देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं। कितने ही लोग प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, कुछ ऐड वगैरह देखते हैं, स्किप करते हैं और पूरा जो है डाउनलोड कर लेते हैं वीडियोस। तो उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे पास में ऑफलाइन में डाउनलोडेड रहता है वेब सीरीज, वो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपनी इस पेन ड्राइव में डालता हूँ। इस पेन ड्राइव में डाल दिया, ये पेन ड्राइव डाल के इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये पेन ड्राइव के सारी चीजें मैं इसमें एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ ये एक ओटीजी लगाने से। तो यहाँ पे जो है अपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इसमें अपन जो है ब्राउजिंग जब मैं इस पे करता हूँ, वो वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा अमेजोन फायर टीवी स्टिक के। तो उसमें जो है ब्राउजिंग के टाइम पे कीबोर्ड माउस दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, बढ़िया से काम करते हैं। दूसरा जो है अपना ओटीजी अदर फाइल्स अपने इसमें लेने के लिए, ये एक अपना काम हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप अमेजोन फायर टीवी स्टिक में अगर जाओगे तो इसमें मैंने गेमिंग वगैरह भी करके दिखा दिया है। तो जो है बोल सकते हैं अभी फिलहाल तो इतना ही मैंने पॉइंट किया, ऐड किया है, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा दिन नहीं हुए इसको यूज करते हुए, 2-3 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो अभी तक का तो मेरा यही सब जो है नॉलेज है इसमें, और एक्सपीरियंस जो रहा वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो मान लो कि अभी फिलहाल की कंडीशन में तो इतना ही है अपना वीडियो, यही पे पूरा इसका जो है डाटा खत्म हो जाता है। मेरे पास में अब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और बचा शेयर करने के लिए, पर मेरे को जो भी इससे रिलेटेड और आगे मिलता है सारी चीजें का मैं एक वीडियो बना के और आगे मैं दूंगा आपको। फिलहाल जो है लेना चाहते हैं टीवी वर्सेस मॉनिटर, उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा जो है, कब मेरे को एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला कि जो मॉनिटर को लेके खुद एक्सपीरियंस करके अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं, मेरे पास एक भी वीडियो नहीं मिला। इसीलिए जो है मैं सोचा कि मेरे को खुद एक लेना चाहिए मॉनिटर, खुद एक्सपीरियंस करके रिव्यू देना चाहिए। तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड आपको और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन जानना है, जैसे कि कोई चीज किसी को चाहिए इस मॉनिटर में या तो अमेजोन फायर टीवी स्टिक में जानना है बट उसके पास है नहीं, तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं तुरंत इसमें एक्सपेरिमेंट करके आपको वीडियो भेज दूंगा या तो एक नई वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से जो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी एक नया वीडियो बन जाएगा। तो प्लीज जो है आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, या फिर कुछ और जानना है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।